पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं रुचि रावत अपने नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो फिर से हो गई है आज मेरी एक नए दिन की शुरुआत एक नई वीडियो के साथ। तो अभी टाइम हो गया है, 1:30 बज गए हैं। तो आज हमारा दिन का लंच बहुत देर में बन रहा है। तो आज मैं दिन के लंच में बना रही पुलाव, तो उसमें डालूँगी मैं चने की दाल। तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी चने की दाल तो ले ली है। तो अब इसे मैं अच्छे से धो के फिर अभी मैंने वहाँ पे काट रखा है प्याज टमाटर और लहसुन छील के रख रखा है। मैंने एक काम दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि हम जो पर्दे लाए थे ना, ये पर्दे नीचे से बहुत लंबे आ गए थे, मतलब कि इतने लंबे आ गए थे, और निक्की इन पर मार रही सिलाई, तो इसमें फ़िलहाल सिलाई मार रही है, और बाकी ये इतने लंबे लंबे हो रखे थे पर्दे। और यहाँ पर हो रहा डांस। काट रखा है टमाटर, ये है प्याज, और इसमें ना मैंने लहसुन कूट रखा है। तो यहाँ पे मैंने ये चावल ले लिए हैं, तो इन्हें पहले साफ कर देंगे और फिर बनाते हैं आज पुलाव। मैंने हरी मिर्च भी काट दी है। यहाँ पे ले लिए हैं मैंने ये खड़े मसाले, तो पहले ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी खड़े मसाले। और ये रहे, ये है दालचीनी, एक इलायची, और ये डाल दी मैंने अभी। और मैंने इसमें डाल दिए हैं सारे मसाले। इसमें भिगा दिए हैं मैंने ये चने की दाल और चावल, और ये अच्छे से थड़कने लग गया। अब इसमें डालूँगी मैं चावल। यहाँ पे ये पुलाव भी बन गया है, और इसमें रख देते हैं ढकना। अभी मैं नहा के भी आ गई हूँ, तो अभी पहले छत से कपड़े ले आते हैं, क्योंकि छत के कपड़े भी सुबह ही डाल दिए थे धूप में, तो वो कपड़े भी सूख गए होंगे। तो अभी आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाऊंगी कि यहाँ से चारों ओर कैसा है। और अभी हमारे इस वाली माउंटेन में यहाँ पे बहुत सारा कबाड़ भर रखा है, तो अभी हमने इसमें से जो काम का था वो वाला सामान है सिर्फ ये, और बाकी जैसे और कूड़ा होता है वो हमने सारा फेंक दिया है। और ये सारे कपड़े भी सूख गए हैं यहाँ पे। हमारे घर के चारों ओर है कुछ इस तरीके से। और आज है मेरा ब्लॉग का दूसरा दिन, तो आज फिर से दिन की शुरुआत हो रही है दिन के लंच से। तो आज बना रही मैं दिन के लंच में मसूर की दाल और हरड़ की दाल, दोनों मिक्स करके। और आजकल यहाँ पे थोड़ा बहुत गर्मी भी होने लग गई है, और यहाँ पे रख रखी है मैंने दाल, एक तरफ बन रही है यहाँ पे। अभी है शाम का टाइम, तो अभी हम लोग आ रखे हैं घूमने, तो घूमने आ रखे हैं आज मैं निकी, तो आज हम रेलवे की साइड आ रखे हैं जहाँ रेलवे स्टेशन है, और अभी चल रहे हैं हम रास्ते में, और अभी जा रहे हैं हम लोग रास्ते में। साइड लोग बहुत सारे लोग घूमने आ रखे हैं, तो अभी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। साइड लोग शाम को डेली टहलने आते हैं, क्योंकि लोग यहाँ डेली आते हैं। पता है मुझे, सुना था मैंने किसी से। अच्छा। और अभी हम लोग पहुँच गए हैं घर पे, तो अब बनाते हैं पहले चाय। और अभी यहाँ पे तैयार तो हो गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं आज अपने नंद के घर, तो वहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कुछ काम है। और निक्की भी जा रही, क्योंकि अब निक्की भी कुछ दिन बाद घर चली जाएगी, तो उसकी वजह से वो पप्पू के घर एक दो दिन रहने के लिए जा रही है। और
अभी चलते हैं, पहले इसे छोड़ के आती हूँ, फिर देखते हैं वहाँ पे क्या क्या होता है आगे। और अभी हम दीदी और के घर पे तो आ गए थे कब के, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सफाई वगैरह करी थी। और आज हम सबका यहाँ पे खाना आज दीदी के घर में ही बन रहा है, तो अभी देखते हैं कितने बड़े बड़े बर्तन चढ़ा रखे हैं आज गैस में। कढ़ाई रख दी है और इसमें ना चावल पकड़े, क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा हैं खाने वाले। तो अभी आप लोग, और ये है यहाँ पे राजमा की दाल, ये यहाँ पे प्याज टमाटर काट के रख रखा है। और अभी ये दोनों जा रहे हैं मार्केट की ओर, और यहाँ सामने बन रहा दीदी दीदी और का मकान। और यहाँ पे दीदी ने लगा रखे यहाँ पे बहुत सारे गमले। और अभी आ रखी हूँ मैं दीदी और की क्यारी में, तो अभी मैं यहाँ पे अपने लिए धनिया तोड़ने के लिए आई थी। रखा है यहाँ पे दीदी और का धनिया, तो इससे ना जो घने घने पेड़ हैं वो उखाड़ दूँगी मैं, और जो थोड़ा वैसे होंगे उन्हें छोड़ दूँगी और इन्हें ऐसे उखाड़ूँगी। ये वाले ये उखाड़ दिए ऐसे, ये वाला धनिया हो रखा है बड़ा बड़ा, तो इससे मैं पेड़ काट के ले जाऊंगी इससे पेड़। और अभी टाइम हो गया है 9:30, तो अभी मैं घर आ गई थी मैं, 8:30 बजे पहुंच गई थी मैं घर, क्योंकि मैं वहीं से ही सब्जी मंडी चली गई थी सब्जी लेने के लिए। तो अभी मैंने चढ़ा रखी है सब्जी गैस में, तो अभी वहां से लेके आई थी मैं बीन्स और आलू तो वैसे घर के हैं, तो सिर्फ बीन्स लेके आई थी मैं। और आज का ब्लॉग इतना ही रखते हैं, आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आए, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसे लगती। फिर मिलूँगी एक नई वीडियो के।